हार्डहैट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। इस वीडियो में मैं आपको पाइप गास्केट के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो में नॉन मेटालिक गास्केट, मेटालिक गास्केट एंड कंपोजिट गास्केट के बारे में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इससे मेरे वीडियो यूट्यूब में रैंक करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फेसबुक फ्रेंड एंड व्हाट्सएप फ्रेंड। तो चलिए सीखते हैं पाइप गास्केट के बारे में। अब ये गास्केट होता क्या है? गास्केट एक टाइप का सीलिंग मटेरियल है जो दो फ्लैंज के बीच में रखते हैं और उसे एक स्टेटिक सील क्रिएट होता है जो कि लीक प्रूफ जॉइंट मेंटेन करता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट। अभी कौन सा टाइप का गास्केट यूज़ करने का, दैट इज़ डिपेंड ऑन फ्लूइड सर्विस कि जहाँ पे ये गास्केट लगने वाला है। देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कोरोजन रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ फ्लूइड, रबस्टनेस, अवेबिलिटी एंड कॉस्ट। ये सारे पैरामीटर को कंसिडर करके आपको अप्रोप्रिएट गास्केट सिलेक्ट करना रहता है। नॉर्मली देर आर थ्री टाइप ऑफ गास्केट, नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड कंपोजिट। लेट्स स्टार्ट विथ नॉन मेटल गास्केट। ये जो नॉन मेटल गास्केट है दे आर मोस्ट कॉमन, उसको आप सॉफ्ट गास्केट भी बोल सकते हो। एज नेम सजेस्ट, नॉन मेटालिक गास्केट जो है वो रबर, टेफलॉन या तो फिर कंप्रेस नॉन एस्बेस्टोस फाइबर से बने हुए होते हैं। इंडस्ट्री में कंप्रेस नॉन एस्बेस्टोस फाइबर गास्केट को CNAF गास्केट बोलते हैं। नॉन मेटालिक गास्केट लो प्रेशर क्लास फ्लैंज के साथ जैसे कि 150 और क्लास 300 फ्लैंज के साथ में यूज़ होते हैं और लो टेम्परेचर सर्विसेज में यूज़ होते हैं। आप इसको हाइड्रोकार्बन सर्विसेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। नॉन मेटालिक गास्केट या तो फुल फेस में आते हैं या तो इनसाइड बोल्ड सर्कल में आते हैं। अब ये फुल फेस क्या होता है और इनसाइड बोल्ड सर्कल क्या होता है मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊँगा। नॉन मेटालिक गास्केट ईजीली अवेलेबल है एंड वो सबसे सस्ते होते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे CNAF एंड PTFE गास्केट का फोटो लगाया हुआ है और उसके साथ में ही फुल फेस गास्केट एंड इनसाइड बोल्ड सर्कल गास्केट का भी फोटो लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फुल फेस गास्केट है वो फ्लैंज के पूरे फेस को कवर करता है और जो स्टड होता है वो गास्केट के अंदर से पास होता है, जबकि जो इनसाइड बोल्ड सर्कल गास्केट है वो जो फ्लैंज का सरेशन फेस होता है उसके ऊपर बैठता है और जो स्टड होता है वो उसके ऊपर से पास होता है। नेक्स्ट है मेटालिक गास्केट। मेटालिक गास्केट जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मोनेल एंड इनकोनेल से बनते हैं। इस गास्केट को आप RTJ गास्केट या तो रिंग गास्केट भी कह सकते हो। मेटालिक गास्केट जो है वो हाई प्रेशर क्लास फ्लैंज के साथ यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली अबोव 900 क्लास है। एंड आप ये मेटालिक गास्केट को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर सर्विसेज में यूज़ कर सकते हो। अभी ये मेटालिक गास्केट के साथ में आपको हाई टेंशन बोल्टिंग यूज़ करना पड़ेगा, जबकि आप नॉन मेटालिक गास्केट को लो प्रेशर बोल्टिंग के साथ यूज़ कर सकते हो। मेटालिक गास्केट जो है वो वेरी रबस्ट होते हैं और साथ में सबसे ज़्यादा महंगे भी होते हैं। यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में दो टाइप के मेटालिक गास्केट दिखाए हैं, एक है ऑक्टागोनल एंड सेकेंड है ओवल टाइप। ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके बेस पे ऑक्टागोनल या तो ओवल RTJ फ्लैंज के साथ ये गास्केट फिट होते हैं। द नेक्स्ट है कंपोजिट गास्केट। कंपोजिट गास्केट एज नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मटेरियल। डिफरेंट टाइप के मेटल एंड नॉन मेटल यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट गास्केट बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस रिक्वायरमेंट। स्पाइरल वाउंड गास्केट, मेटल जैकेटेड एंड कैम प्रोफाइल गास्केट्स आर वेल नोन कंपोजिट टाइप ऑफ गास्केट। कंपोजिट गास्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ में यूज़ कर सकते हो। हमने देखा कि नॉन मेटालिक गास्केट आप हाई प्रेशर में यूज़ नहीं कर सकते हैं और जो मीडियम प्रेशर रेंज है उसमें आप अगर मेटालिक गास्केट यूज़ करोगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, तो उस दोनों का सॉल्यूशन है कंपोजिट गास्केट। कंपोजिट गास्केट आर कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अभी यहाँ पे मैंने स्पाइरल वाउंड गास्केट दिखाया जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपोजिट गास्केट है। इट इज़ सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्लास।
नॉर्मली ग्रेफाइट या तो पीटीएफई जो होता है, पीटीएफई नॉन मेटालिक मटेरियल होता है, वो एज अ फिलर मटेरियल यूज़ होता है, एंड स्टेनलेस स्टील या तो कोई अदर एक्जॉटिक मटेरियल जैसे मॉनल, वो एज अ वाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है। अभी जो स्पायरल आउट गास्केट है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, इनर एंड आउटर रिंग एंड वाइंडिंग मटेरियल। इनर रिंग है वो हमेशा नहीं होती है, वो एज एन वैन रिक्वायर्ड होती है। इनर रिंग का फंक्शन क्या होता है कि जब भी आपका लाइन में वैक्यूम होने का चांसेस रहता है, या तो आपकी आप लाइन में कंटामिनेशन अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इनर रिंग का यूज़ होता है। अभी जो ये वाइंडिंग मटेरियल होता है वो एक अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सॉफ्ट फिलर मटेरियल, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया नॉर्मली ग्रेफाइट या तो पीटीएफ होता है, एंड एक मेटल स्ट्रिप होता है, एसएस का पतला मेटल स्ट्रिप होता है, उसका अल्टरनेटिव लेयर को आप वी शेप या तो डब्ल्यू शेप में वाउंड करते हो और उससे वाइंडिंग रिंग बनता है। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि वी टाइप वाइंडिंग एंड डब्ल्यू टाइप वाइंडिंग क्या होता है। नेक्स्ट है मेटल जैकेटेड गास्केट। अभी मेटल जैकेटेड गास्केट में क्या होता है, जो सॉफ्ट फिलर मटेरियल होता है उसको थिन शीट ऑफ मेटल से एनक्लोज कर लेते हैं, मतलब उसको जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको मेटल शीट से पूरा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कवर्स ऑफ फिलर मेटल दिखाया हुआ है। मेटल जैकेटेड गास्केट जो होते हैं वो नॉर्मली हीट एक्सचेंजर में यूज होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ गास्केट है वो है कैम प्रोफाइल गास्केट। कैम प्रोफाइल गास्केट को अगर आप बाहर से देखोगे तो वो आपको स्पाइरल वाउंड गास्केट के जैसा ही दिखेगा, बट इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि इसमें एक मेटल की सॉलिड रिंग होती है जिसके ऊपर ग्रू बने होते हैं, और इस ग्रू के ऊपर आप ग्रेफाइट या तो पीटीएफई का लेयर लगाते हो, जबकि स्पाइरल वाउंड में क्या होता है कि आप दोनों का थिन शीट को वाउंड करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक मेटल का रिंग होता है जिसमें वी टाइप ग्रू बनते हैं और उसके ऊपर ग्रेफाइट या तो पीटीएफई लगाया जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। कैम प्रोफाइल गास्केट स्पाइरल वाउंड गास्केट से महंगा होता है, बट उसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको लार्ज डाई में भी इजीली हैंडल कर सकते हो, और इसका ब्लोआउट रेजिस्टेंस स्पाइरल वाउंड गास्केट से अच्छा होता है। स्पाइरल वाउंड गास्केट में क्या होता है कि आपको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आप थोड़ा भी मिस हैंडल करोगे तो वो गास्केट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये है पाइप गास्केट के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए, एंड मेरे ये वीडियो आपके फेसबुक फ्रेंड एंड व्हाट्सएप फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम जो 10,000 सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।